reduction in bounding and return of documents. Then is 13A, summary judgment, which is an amendment again. Then is framing of issues, which comes in the order 14, and disposal of suit at the first hearing is under order 15. Order 16 has summary and attendance of witness. Order 16A has attendance of witness confined or detained in prison. That's again under amendment. Order 17 is adjournment. Order 18 has hearing of suit of examinations of parties. Order 19 has assertion of claims, which has affidavits. Order 20 is judgment and decree, and order 20A is cost, which is again. Clap for Rishit. Very good. Sit up. अभी देखिए जजमेंट आ गया है. ये जजमेंट जो है कहां पर डिफाइंड है आपको पता है? ये जजमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि जजमेंट अगर आप देखेंगे ऑर्डर 20, तो जजमेंट के साथ साथ जुड़ा हुआ है जजमेंट एंड डिक्री. ऑर्डर 20 में जो टाइटल है, इट टॉक्स अबाउट जजमेंट एंड डिक्री. तो व्हाट इज जजमेंट एंड व्हाट इज डिक्री? और ये जजमेंट और डिक्री के अलावा एक और टर्म होता है जो कोर्ट्स में बहुत यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. होता है ना, दिस इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. जैसे आज एक ऑर्डर आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से. हाँ, आ गया. क्या हुआ? चलो, वील डिस्कस इट लेटर, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है मैं आपके साथ हूं क्या चल रहा है बाहर. एनीवे, तो ये तीन टर्म आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सीपीसी. अभी देखिए, हमने 9 से 35 देखा था ना, उसके पहले प्रिलिमिनरी है 1 to 8. उसमें सेक्शन 2 हैज डेफिनेशंस, जिसमें सेक्शन 2(2), सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 डिफाइंस डिक्री. सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 डिफाइंस डिक्री. सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 डिफाइंस जजमेंट. सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 डिफाइंस जजमेंट एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 डिफाइंस ऑर्डर. तो एज ए लॉयर यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज थ्री टर्म्स. जजमेंट इज डिफरेंट देन डिक्री, इज डिफरेंट देन ऑर्डर, एंड ऑल दीज थ्री टर्म्स हैव बीन डिफाइंड अंडर सीपीसी, अंडर ऑर्डर, अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, 9 एंड 14. 2(2) इज डिक्री. Decree is defined as a formal expression of the adjudication about the rights of the parties. What is decree? Formal expression of adjudication about the rights of the parties by the court. So the court's formal expression of adjudication, who is right, who is wrong, is decree. And the grounds of the decree on the basis of which that formal expression has come is judgment. Please understand, the formal expression of adjudication about the right of the parties is decree. And the grounds on which that conclusion has been arrived by the court is judgment.
And the formal expression of a decision by the court is order. Formal expression of a decision by the court is order. ये तीनों term 2, 9 and 14 में आपको मिलेंगे. तो we have understood the judgment, decree, everything? Yes. लेकिन अभी ये decree आपको मिल गई. You became a decree holder. लेकिन मैंने आपको क्या बताया, what is decree? A formal expression of adjudication. मतलब एक आप गए थे कोर्ट में अपनी शिकायत लेकर कि सर ये लैंड मेरा है और डिफेंडेंट ने इसको एनक्रोच किया हुआ है, यही लेके गए थे ना प्लेंट आपका शुरुआत में जब कहानी शुरू हुई. एम आई राइट? और अंत में आपको मिला क्या, एक पीस ऑफ पेपर विद अ फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ विच इज कॉल्ड डिक्री. अब वो पीस ऑफ पेपर लेकर आप सोच रहे हैं, अरे मैं तो लैंड लेने गया था, मुझे तो पीस ऑफ पेपर मिल गया, ये क्या है? हाँ, ये वैसा ही है जैसे आप जब इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर आए एलएलबी का कोर्स करने के लिए, और 3 या 5 साल बाद मिला क्या, एलएलबी की डिग्री, पीस ऑफ पेपर. और जिस तरह से आप में से कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो पीस ऑफ पेपर डिक्लेयर करने तो मिल गया कि यू आर एलएलबी डिग्री होल्डर, बट नॉलेज ऑफ लॉ अभी भी नहीं मिली. So it is you who have to decide that you have joined this institution for knowledge or for only that piece of paper. It all depends on your sincerity, on your dedication, on your seriousness to the cause. If you have joined the institute for knowledge, you'll get knowledge. The entire faculty is here to impart knowledge to you. जजमेंट डिक्री कॉस्ट लेकर पीस ऑफ पेपर लेकर सेटिस्फाई नहीं होने वाला ना, तो उसे लैंड कैसे मिलेगा जिसके लिए वो कोर्ट में आया था? अल्टीमेटली वो उस पीस ऑफ पेपर के लिए तो नहीं आया ना. लाइक यू हैव नॉट कम हियर ओनली दैट पीस ऑफ पेपर डिक्लेयरिंग यू एलएलबी. आपको तो नॉलेज भी चाहिए, नहीं तो कोर्ट में करेंगे क्या? Can you go and say to the judge, ये मेरा प्लेंट, ये मेरी डिग्री, लाओ ऑर्डर दो. Can you say so? वो कहेगा भैया डिग्री विग्री ठीक है, नॉलेज क्या है बताओ, आर्ग्यू तो करो, कानून बताओ. कानून वानून नहीं मालूम सर हमको, डिग्री दी है ना, ये डिग्री बोल रही है मैं एलएलबी हूं, इट इज प्रिज्यूम दैट आई नो लॉ. कैन यू से सो? यू कांट. एंड देयरफॉर once you get a judgment and a decree by the court, you have to execute it. You have to execute it means on the basis of that piece of paper, you have to get your right, your claim, your assertion. And in this case, if you had come for that claim of a land, you have to get that land. And that is called execution. Now you have come among those sections, part 2, 35A. जजमेंट के साथ खत्म हो गया, कॉस्ट्स के साथ. 35A इज कॉस्ट्स. सेक्शन 35A देखिए आपके पास अगर बुक है तो. 35A टॉक्स अबाउट कॉस्ट्स. सेक्शन 35A रेड विद ऑर्डर 20A. मिला फोन वाले बाबू? मिला? ढूंढो. And with the costs, that one part is over among sections. Now you have come to second part called execution from section 36 to 74. Part
2, sections 36 to 74, execution. Plus order 21, execution. पहला पार्ट खत्म हुआ, जजमेंट मिल गया. पार्ट टू में आए, सेक्शन 36 टू 74, रेड विद ऑर्डर 21 इज एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिक्री. एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज, एंटायर एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज गिवन अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्ट टू सेक्शंस 36 टू 74 and under order 21. Order 21 has 109 rules. So almost more than 100 rules under order 21. Rules 1, 2, 'Because execution is a huge process. It's as good as a second trial. First trial ended with decree, and execution is as good as a second trial. So it's a huge process. If you will observe CPC, part 2 among sections, classification, execution is the longest part. Similarly, order 21 is the lengthiest order. From order 1, rule 1 to 109. And there are various methods of execution given under those classifications. Classification gives how to execute a decree about immovable property, how to execute a decree of a movable property, of a money suit, or how an execution involves attachment of property, sale of property, how sometimes if execution is not happening through attachment and sale, even CPC, though it's a civil proceedings, talk about arrest of the person. All that is in the execution. Arrest and detention of the defendant if he is not executing the decree. And do you know, just for your knowledge, there is a provision of civil prison also. If somebody does not abide by or obeys the order of the court, one can be arrested also. So arrest and detention, attachment, everything forms part under execution. Because if a decree has been given and the decree has not been challenged in appeal before the higher court, and if the decree has reached finality, then execution would happen. And if you are obstructing the execution, your property will be attached. If you are disobeying the execution, you would be arrested. And in the last area, last rules of the execution,